गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो जो मेरा रीडिंग का बकिया पार्ट है वो आप देख सकते हैं। टेस्ट 4 है, सेक्शन 3, क्वेश्चंस 28 to 40। हमने ऑलरेडी इनमें से 27 तक कर लिए थे। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है मल्टीपल्स। ठीक है जी, तो हमारे पास जो मल्टीपल्स के क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है जी, दीज आर द मल्टीपल क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस आप देख लें, ये है 28 to 40। ठीक है, राइट द करेक्ट लेटर। ठीक है, देख लें, राइट द करेक्ट लेटर 38 to 40। ओके जी, ओके। द 38th, व्हाट व्यू इज एक्सप्रेस्ड बाय प्रोफेसर डिवॉल। प्रोफेसर डिवॉल जो है उसने कौन सा व्यू जो है वो पेश किया है, कौन से व्यू का इजहार किया है। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले तो यही हमारा सबसे मेन चीज़ है। ठीक है, फिर ये है, हम देखते हैं जी कि उसने कौन सा, प्रोफेसर डिवॉल जो है उसने कौन सा किया है। आप चूँकि प्रोफेसर डिवॉल एक प्रॉपर नाउन है तो आपको ये मिल जाएगा। जहाँ पे भी आप देखेंगे, बैक ऑफ प्रोफेसर बोल्डर, आपको कैपिटल लेटर में कहीं ना कहीं ये ज़रूर मिल जाएगा। प्रोफेसर मॉरल, ऐसे ही आप आगे को जाएंगे, His ideas have met some controversy. प्रोफेसर, ये देखिए जरा, प्रोफेसर फ्रॉस्ट डिवॉल। ठीक है, डिवॉल क्या कहता है जी, कहता है वो एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ प्राइमेट्स। इसने जो प्राइमेट्स थे, जो एप्स थे, ठीक है, जो बेबून्स थे, ठीक है जी, जो चिपेंसीज थे, उनके बिहेवियर को एग्जामिन किया, पढ़ा, इंक्लूडिंग चिपेंसीज, इसमें चिपेंसीज भी शामिल थे। ठीक है, ये प्राइमेट्स, ठीक है। अच्छा, तो वो है, कहता है कि सेड आई डोंट बिलीव एनिमल्स आर मॉरल इन द सेंस वी ह्यूमन आर। मेरा नहीं ख्याल कि जितने हम इंसान जो हैं उनमें सेंस है इतनी एनिमल्स में हो मॉरल। ठीक है ना जी, वो इतने ही अखलाकी हैं जितने हम हैं। विद अ वेल डिवेल्प्ड एंड रीजन सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, हम जो इंसान हैं उनमें वेल डिवेल्प्ड एंड रीजन सेंस, बहुत ही आला एहसास है, अकल शऊर है, वेल डिवेलप्ड है, बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड है, हमें पता है कि राइट और रॉन्ग क्या है, हमें काफ़ी ज़्यादा है, हमें वेल डिवेलप भी है, रीजन सेंस भी है, बहुत ज़्यादा अकल शऊर भी है। ठीक है जी, रादर देन ह्यूमन मोरेलिटी इन क्रॉप्स, जो ह्यूमन मोरेलिटी है, इखलाकियात है, उसमें शामिल है क्या, अ सेट ऑफ साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज एंड कैपेसिटीज़, उसमें नफसियाती जो रुझानात हैं वो शामिल है, एंड कैपेसिटीज़ और काबिलियतें शामिल हैं, जैसा कि एम्पथी, हमदर्दी है। ठीक है जी, तो रेसिप्रोसिटी, ठीक है जी, तो इसमें रेसिप्रोसिटी शामिल है। अगर आप देखते हैं तो रेसिप्रोसिटी शामिल है, यानी हम आहंगी शामिल है, अ डिज़ायर फॉर अ कॉपरेशन, दूसरों के साथ कोऑपरेट करने की, तावन करने की ख्वाहिश होती है, एंड हार्मनी, और हम मांग भी होती है, दैट आर ओल्डर देन आर स्पीशीज़, जो हमारी स्पीशीज से ज़्यादा जो जानवर हैं उसे ज़्यादा ओल्डर होती हैं। ह्यूमन मोरेलिटी वॉज नॉट फॉर्म्ड फ्राम स्क्रैच, इंसानी अखलाकियात जो हैं वो शुरू से ही नहीं बनी, बट ग्रू आउट ऑफ आर प्राइमेट साइकोलॉजी, बल्कि हमारी जो प्राइमेट साइकोलॉजी है वहाँ से ये निकली हैं, वहाँ से जो प्राइमेट साइकोलॉजी है, जो ये जानवर हैं जो वहाँ से ये निकली हैं, बट ग्रू आउट, ह्यूमन मोरेलिटी वॉज नॉट फाउंड फ्राम स्क्रैच, ये शुरू से नहीं बनी, बल्कि ये कहता है कि ये जो जानवर हैं जिनमें आप देख सकते हैं प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट्स में चिपेंसी हैं, जिनमें एप्स हैं, जिनमें बेबून्स हैं, उनमें से, ठीक है जी, उनमें से ये निकली है, ग्रो आउट ऑफ, वहाँ से उभरी है, प्राइमेट साइकोलॉजी हैज एंशियंट रूट्स, ये प्राइमेट साइकोलॉजी जो है इसकी बड़ी पुरानी गहरी जड़ें हैं, एंड आई अग्री दैट अदर एनिमल्स
और मैं ये कहता हूँ कि दूसरे जो जानवर हैं शो मैनी ऑफ द सेम टेंडेंसीज, दूसरे जानवर वो भी ऐसी ही सलाहियतें दिखाते हैं एंड हैव एन इंटेंस सोशलिटी, और उनमें भी काफ़ी सोशलिटी पाई जाती है। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। एप्स हैव एडवांस्ड आइडियाज़ अबाउट द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड ईवल। अब देख सकते हैं उनमें आइडियाज़ तो हैं, गुड और ईवल का जिक्र नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। द सोशल मैनर्स ऑफ सम एनिमल्स प्रूव दैट दे आर हाईली मॉरल। कहीं पे भी सोशल मैनर्स की ये नहीं है कि वो हाईली मॉरल हैं। ठीक है, हाईली मॉरल नहीं है। प्रूव सम एनिमल्स प्रूव, किसी भी एनिमल ने प्रूव नहीं किया। सम ह्यूमन मॉरल बिलीव्स डिवेल्प्ड फ्रॉम आर, ये अगर आप हम देखते हैं, सम ह्यूमन मॉरल बिलीव्स, कुछ इंसानी जो इखलाकी बिलीव्स हैं डिवेल्प्ड, वो निकले हैं कहाँ से, फ्रॉम एनिमल एंसेस्टर्स। एनिमल्स जो इंसेस्टर्स हैं, जो एनिमल्स हैं हमारे पास, उनके अभाजदाद हैं उनसे। आपने यहाँ पे देखें ये वाली ये चीज़, ये वाली देखें, ये देखिएगा। ह्यूमन मोरालिटी वॉज नॉट फॉर्म फ्रॉम स्क्रैच बट ग्रू आउट ऑफ आर प्राइमेट साइकोलॉजी, प्राइमेट साइकोलॉजी से निकले हैं। ठीक है जी, ये देखिए। ठीक है, तो ये भी आप देख ले, प्राइमेट साइकोलॉजी जो हमारे अभाव, ये जो पुराने जानवर हैं जिनमें चिपेंजी, जिनको कुछ एक दो इस तरह के व्यूज भी हैं कि इंसान जो है वो बंदर से बना है, तो उसी को ही प्राइमेट साइकोलॉजी कहा जाता है। तो आप देख लेंगे सम ह्यूमंस मॉरल बिलीव्स जो हैं वो डिवेल्प कहाँ से हुए हैं, एनिमल इंसेस्टर्स से। ठीक है, तो ये हमारे पास द डिज़ायर टू लिव इन पीस विद अदर्स इज प्योरली ह्यूमन क्वालिटी। कहीं पे भी ये नहीं लिखा द डिज़ायर टू लिव इन पीस विद अदर्स इज प्योरली ह्यूमन क्वालिटी, ये कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं है। सेकंड है हमारे पास वाई डज प्रोफेसर बैकफ, यहाँ पे भी प्रोफेसर बैकफ का जिक्र आता है। मेंशन द एक्सपेरिमेंट ऑन डायना मंकीज, वो क्यों एक्सपेरिमेंट जो है डायना मंकी पर उसका, उसके तजर्बे का जिक्र करता है। देखते हैं जी यहाँ पे हमारे पास इससे नेक्स्ट, हमने पहले भी पढ़ा था इसके बारे में, तो ये देखें। लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व ट्रेनिंग डायना मंकी, एक लेबॉरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें ट्रेनिंग हुई है डायना मंकीज की, टू इंसर्ट अ कॉइन इनटू अ स्लॉट, कि एक स्लॉट में एक टोकन डालना है टू ऑब्टेन फूड और खुराक लेनी है। अ मेल हु हैड बिकम स्किल्ड, एक मेल जो इसमें स्किल्ड हो गया था एट द टास्क वॉज फाउंड टू बी हेल्पिंग द ओल्डेस्ट फीमेल, उसको देखा गया कि वो एक बूढ़ी फीमेल को मदद कर रहा था। वो हैड नॉट लर्न हाउ टू डू इट, जिसको नहीं पता था कि कैसे करना है। ऑन थ्री ओकेजन्स, तीन मौक़ों पर द मेल मंकी पिकड अप अ टोकन, मेल मंकी ने वो टोकन उठाया, शी ड्रॉप्ड जो उसने गिराया था, एंड इंसर्टेड दैम इन टू द स्लॉट, और स्लॉट में डाल दिया, एंड अलाउड हर टू हैव द फूड, और उसको कहा कि वो खाना ले ले। एज देर वॉज नो बेनिफिट फॉर द मेल मंकी, क्योंकि इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं था मेल मंकी का। प्रोफेसर बैकऑफ, ये देखें प्रोफेसर बैकऑफ का भी जिक्र है, आर्गू, वो यहाँ पे कहता है उसका व्यू क्या है, दैट दिस इज़ क्लियर एग्जांपल ऑफ एनिमल्स एक्शन, कि ये एक वाज़े मिसाल है किसी भी जानवर के कामों की, बीइंग ड्रिवन, जो कि मुतहरक हुआ बाय सम इंटरनल मॉरल कंपस, अंदरूनी इखलाकी तहरीक से। ठीक है जी, तो ये उसका व्यू है। ठीक है, कि वो कहता है कि ये एक्सपेरिमेंट जो है एक वाज़े मिसाल है कि कैसे एक जानवर जो है वो अपने अंदर की इखलाकी तहरीक या मोटिवेशन से वो कैसे मुतहरक हुआ। ठीक है, हम देखते हैं जी यहाँ पे जो इसके है हमारे पास, इट शोज़ दैट दिस स्पीशीज़ ऑफ मंकी इज़ नॉट वेरी इजी टू ट्रेन। आप देख सकते हैं कि ये तजर्बा बताता है कि मंकी जो हैं उनको ट्रेन करना, तरबियत करना इतना आसान नहीं है। इट कन्फर्म्स हिज व्यूज़ ऑन द वैल्यू ऑफ रिसर्च, कहीं पे भी वैल्यू ऑफ रिसर्च का बात नहीं है। सर्टन मंकीज तो हैं, सर्टन मंकीज तो हैं, लेकिन वैल्यू ऑफ रिसर्च की कहीं पे भी बात नहीं करता। इट प्रूव्स दैट फीमेल मंकीज आर जनरली लेस इंटेलिजेंट, अच्छा आप देख सकते हैं फीमेल मंकी तो है इसमें लेकिन जनरली लेस इंटेलिजेंट तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कहीं पर भी जिक्र नहीं किया कि वो मर्दों की नस्बत कम इंटेलिजेंट है। ठीक है जी, तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाती है, और वो ऑप्शन
यही बचती है कि इट इलस्ट्रेट्स अ पॉइंट ही वॉन्ट्स टू मेक, ये तजर्बा बताता है कि वो एक पॉइंट को का जिक्र करना चाहता है, टू मेक अबाउट मंकी एंड अदर क्रीचर्स, कि मंकी और दूसरे क्रीचर्स जो हैं उनके अंदर एक दूसरे के लिए हमदर्दी की तहरीक जागती है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास वो इसका जिक्र करना चाहता है, वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये वाला। प्रोफेसर बेकेफ आर्ग्यूज दैट दिस इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स एक्शन बाय बीइंग ड्रिवन बाय सम इंटरनल, ठीक है जी। तो ये हम कहते हैं इट इलस्ट्रेट्स अ पॉइंट, ये तजर्बा एक बात को बयान करता है, ही वॉन्ट्स टू मेक, जो बात वो बताना चाहता है मंकीज के बारे में, दूसरी क्रीचर्स के बारे में, ठीक है जी, कि वो एक दूसरे की मदद करते हैं। इसके हमने कल भी पढ़ा था, थ्रू आउट रैट्स जो हैं वो भी मदद करते हैं, एलिफेंट्स भी मदद करते हैं, ठीक है जी। तो ना सिर्फ वो मंकी करते हैं बल्कि दूसरे एनिमल्स भी करते हैं। व्हाट डज द राइटर फाइंड मोस्ट सरप्राइजिंग अबाउट चिंपैंजीज, राइटर को चिंपैंजी के बारे में बहुत ज़्यादा हैरान कौन चीज़ कौन सी लगी, ठीक है। अब इसके नीचे ही हम देखते हैं, सिंस चिंपैंजीज आर नोन टू बी अमंग मोस्ट कॉग्निटिवली एडवांस्ड, ये दिमागी तौर पर बहुत एडवांस है, ठीक है जी, और उन जानवरों के में से हैं जो दिमागी तौर पर सोचने समझे की ज़्यादा सलाहियत रखते हैं, ऑफ द ग्रेट एप्स, ग्रेट एप्स में से ये सबसे ज़्यादा एडवांस है। एंड आर क्लोजेस्ट कज़न, ये हमारे क्लोजेस्ट कज़न्स भी हैं, क्लोजेस्ट कज़न से मुराद यही है कि जो एक थेरी है कि इंसान जो है वो बंदर से बना है, तो इसलिए वो कहते हैं कि हमारे क्लोजेस्ट कज़न्स हैं और हमसे मिलते जुलते भी हैं। इट इज़ परहैप्स नॉट रिमार्केबल दैट साइंटिस्ट शुड सजेस्ट दैट दे लिव बाय मॉरल कोड्स, ये भी कोई दैट इट इज़ परहैप्स नॉट रिमार्केबल, ये कि भी कोई नुमायाँ बात नहीं है, दैट साइंटिस्ट शुड सजेस्ट, जो साइंटिस्ट जो है वो सजेस्ट करते हैं कि वो मॉरल कोड के साथ रहते हैं, ये भी कोई नुमाया नहीं है, ठीक है, इसमें खास हकीकत नहीं है कि मॉरल कोड में वो रहते हैं, इंसानी जो इखलाकी जाबता ही आता है उसके अंदर रहते हैं। अ चिंपैंजी नोन एज नकल्स, एक चिंपैंजी है जिसको नकल्स के नाम से जाना जाता है, इज द ओनली नोन कैप्टिव चिंपैंजी, उसको कहा जाता है कि ये कैप्टिव है, इसको चार दीवारी में या किसी पिंजरे में रखा हुआ है, कैप्टिव है, गिरफ्तारी में रखा हुआ है, टू सफ़र फ्रॉम सेरेब्रल पाल्सी, और इसको दिमागी कोई जो पाल्सी हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है, फालिज हो जाता है, विच लीव्स हिम फिजिकली एंड मेंटली इम्पेयर्ड, जिससे वो जिस्मानी और जहनी तौर पर बीमार हो जाता है। वाट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज दैट, जो सबसे अहम बात है वो ये है, साइंटिस्ट हैव ऑब्जर्व्ड अदर चिंपैंजीज, साइंटिस्ट ने दूसरे जो चिंपैंजीज हैं उनको भी ऑब्जर्व किया है इंटरेक्टिंग, कैसे जी, इंटरेक्टिंग विद हिम डिफरेंटली, कि वो उसके साथ मुख्तलिफ तरीके से पेश आते हैं, यानी हमदर्दी के साथ पेश आते हैं, ठीक है जी। एंड ही इज रेयरली सब्जेक्टेड, और जो बैक हमारा है चिंपैंजी, ही इज रियली सब्जेक्टेड टू इंटिमिडेटिंग डिस्प्लेज ऑफ एग्रेशन, ठीक है जी, फ्रॉम ओल्डर मेल्स, और आप देखते हैं कि वो शाज़ो नाज़र ही मर्दों की तरफ से जो जारहियत है, जारहियत एग्रेशन जो है, डिस्प्लेस दिखाना, इंटिमिडेटिंग फ्राइटनिंग फ्रॉम ओल्डर फीमेल्स, और वो जो चिंपैंजी है वो अपने जो बड़े हैं उनसे उनको किसी किस्म का कोई डर खतरा भी नहीं होता, ठीक है जी, और ना कोई जारहियत को वो शो करते हैं। चिंपैंजीज ऑल्सो डिमोन्स्ट्रेट, देख लें यहाँ पे थोड़ा सा अगर नज़र नहीं आ रहा तो ये देख लें, एग्रेशंस जी, वो कहता है सब्जेक्टेड टू इंटिमिडेटिंग डिस्प्लेस ऑफ एग्रेशन फ्रॉम द ओल्डर मेल्स, ठीक है, और जो है डिस्प्लेस सब्जेक्टेड। एंड ये देखिएगा ज़रा यहाँ पे एक चीज़ जो देखने वाली है वो ये है, एंड ही इज़ रेयरली शाज़ो नादर ही, ठीक है जी, शाज़ो नादरी। वाट इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज दैट, जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है, दैट साइंटिस्ट हैव ऑब्जर्व्ड अदर चिंपैंजीज इंटरेक्टिंग विद हिम डिफरेंटली, कि साइंसदान ने देखा है कि दूसरे जो चिंपैंजीज हैं उसके साथ ज़रा मुख्तलिफ तरीके से सलूक करते हैं। एंड ही इज़ रेयरली सब्जेक्टेड, नेक्स्ट देख लें, एंड वो साइंसदान जो है, ही इज़ रेयरली सब्जेक्टेड टू इंटिमिडेटिंग डिस्प्लेस ऑफ अग्रेशन फ्राम ओल्डर मेल्स, और जो पुराने मेल्स हैं, ओल्डर मेल्स हैं, उसने
उसकी तरफ जो बीमार है उसकी तरफ शाजो नाजर ही उनको कभी गुस्से की गुस्से से देखा हो, कि उन्होंने उसके साथ गुस्सा किया हो या उनका रवैया उसके साथ जो जा रहा ना हो। चिपेंजीज ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेट अ सेंस ऑफ जस्टिस, ये देखिए चिपेंजीज जो हैं वो ऑल्सो सेंस ऑफ जस्टिस, ठीक है, उनमें एहसास का शऊर पाया जाता है। एंड दोज हु डिविएट फ्रॉम द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ अ ग्रुप आर सेट अप अपॉन बाय अदर मेंबर्स, एंड दोज हु डिविएट फ्रॉम द कोड ऑफ कंडक्ट, और जो इस जो ऑफ अ ग्रुप आर सेट अप, और जो यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन को सेट किया गया है, नज़्म व ज़ब्त को सेट किया गया है ग्रुप में, उससे कोई डिविएट करता है, उससे कोई हटता है तो क्या होता है, आर सेट अपॉन बाय अदर मेंबर्स एज पनिशमेंट, तो फिर उनको पनिशमेंट भी दी जाती है। ठीक है, हम देखते हैं जी ये कहता है। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो लास्ट है हमारे पास वो ये है, व्हाट डज द राइटर फाइंड मोस्ट सरप्राइजिंग अबाउट चिपेंजी। आपने पढ़ा ही हो, पढ़ ही लिया है सारे का सारा, तो देख लें। दे कैन सफ़र फ्राम सम ऑफ द सेम इलनेस एज ह्यूमन्स, देखें कोई ऐसा नहीं है कि सेम इलनेस एज ह्यूमन का यहाँ पर जिक्र है, क्यों वो इंसानों वाली बीमारियाँ उनमें पाई जाती हैं। दे अपीयर टू ट्रीट डिसेबल्ड पीयर्स विद कंसिड्रेशन, ये देखें दे अपीयर वो दिखाई देते हैं, टू ट्रीट स्लू करते हैं डिसेबल्ड पीयर्स जो माजूर उनके साथी हैं, विद कंसिड्रेशन जस्टिस के साथ, डिफरेंटली, ये देखें, ठीक है। दे हैव सेट्स ऑफ सोशल कन्वेंशंस दैट टू फॉलो, ठीक है जी। तो ये देख लें हमारे पास एक ही ऑप्शन आती है, दे अपीयर टू ट्रीट डिसेबल्ड, ठीक है, डिसेबल्ड पीयर्स विद कंसिडरेशन। तो ये हमारे पास जो बी ऑप्शन है, दिस इज द राइट ऑप्शन, यू कैन सी, बाकी जो हैं वो नहीं है। तो ये थे हमारे मल्टीपल्स क्वेश्चंस 38 to 40, और अगर आप ये देखें थोड़ा सा तो हमारे पास ये था एनिमल्स कैन टेल राइट फ्रॉम रॉन्ग, ये हमारी बुक 15 थी। ये आज बुक जो है 15 वो मुकम्मल हो गई है, इंशाल्लाह जो लास्ट बुक होगी बुक 14 उसको मुकम्मल करने के बाद हम लिसनिंग की तरफ आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।